एक और जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि लगातार बैक टू बैक हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव होने हैं कुछ दिन में, क्योंकि 57 सीटों पर ये चुनाव होंगे और इस चुनाव को लेकर कमर कसी जा रही है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि आज से लोकसभा उपचुनाव के लिए भी नामांकन शुरू हो जाएगा। एक तरफ राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे तो दूसरी तरफ लोकसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन होगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होने जा रहा है। रामपुर में उपचुनाव नहीं लड़ेगी बसपी, ये पहले से ही ऐलान कर दिया गया। तो गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में बड़ी जानकारी, आज से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। आज से 6 जून तक जो नामांकन है वो किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, आज से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी कि जिस तरह से राज्यसभा के लिए नामांकन किया गया, तो जिस तरह से चाहे वो राज्यसभा हुआ हो या फिर लोकसभा, जिस तरह से राजनीतिक दलों के बीच कसाकसी नजर आई और ये जो तनातनी है वो आने वाले दिन में भी जारी हो सकती है। क्योंकि देखिए, टिकट को लेकर बवाल मचा हुआ है, जो पार्टियां हैं मंथन कर रही, चर्चा कर रही, पर ये देखना होगा कि जो नामांकन है, नामांकन की रेस में यहाँ पर कौन जीतता हुआ नजर आएगा और जो तस्वीरें हैं वो कैसी नजर आएगी।